उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा के कपाट खुल चुके हैं। पिछले 3 दिनों में 3 तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हुई है और इस बार राज्य सरकार चार धाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्ग पर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। इसके बावजूद भी हार्ट अटैक से मौत हो जाना चिंता का विषय है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि विपक्षी दल ने पहले ही अंदेशा जताया था कि इंतजाम सही नहीं हो रहे हैं। देहरादून से अवनीश की रिपोर्ट। उनका अचानक जो है हृदय गति रुकने से, उनके जिस तरीके से अटैक हुआ है उस कारण ये मृत्यु हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य विभाग की किसी लापरवाही से किसी यात्री या श्रद्धालु को कोई दिक्कत या परेशानी हुई है। स्वास्थ्य विभाग अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर रूप से खड़ा है। कर्नाटक चुनाव में इतने वो व्यस्त हैं कि जो उत्तराखंड की रीढ़ है, ये चार धाम यात्रा पर लगभग 13 से 14 लाख लोगों का जीवन यापन होता है, उनकी आर्थिकी जुड़ी हुई है। ऐसे में चाहे होटल इंडस्ट्री हो, टैक्सी मैक्सी चालक हो, घोड़े खच्चर वाले हो, तमाम दुकानदार हो, वो इस यात्रा को टकटकी बांधकर इंतजार करते हैं कि इस यात्रा में यात्री और श्रद्धालु आएंगे और उससे उनका बाकी का सालाना खर्च निकलेगा। ऐसे में इस यात्रा को इतना हल्के में स्वास्थ्य मंत्री और पूरा सरकारी महकमा ले रहा है, जिसकी वानगी आपको शुरुआत के 2 दिन में ही दिखाई पड़ गई।